हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑयल के बारे में जिसकी खूबियाँ बहुत सारी हैं। और कौन सा है वो ऑयल, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जिस ऑयल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बादाम का तेल। बादाम का तेल खुद में ही खुद इतना गुणकारी है कि इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं शायद आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे, तो वो सारे बेनिफिट्स आज मैं आपको बताऊंगी। और ये बादाम का तेल जो है ये एक ऐसा अनोखा तेल है कि इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी यूज़ कर सकते हैं, सभी एज के लोग ले सकते हैं। कोई आप ऑयल देखते हैं या तो आप उसे सिर में लगा सकते हैं या खाली फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन जो ये बादाम का तेल है इसके इतने सारे यूजेज हैं। ये जो ऑयल है इसे आप अपने सिर से लेकर पैर की एड़ी तक बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही गुणकारी ऑयल है ये। तो चलिए मैं बताती हूँ अब आपको इसके फायदों के बारे में। वैसे तो मार्केट में आपको काफी सारे बादाम के तेल जो है मिल जाएंगे। इस वीडियो में जिस बादाम के तेल की हम बात करने वाले हैं वो है रोगने बादाम श्री। ये हमदर्द कंपनी का ब्रांड है और ये जो मेरे हाथ में आप पैकेजिंग देख रहे हैं ये 25 ml है और इसकी जो प्राइसिंग है 104 रुपये है। तो चलिए मैं आपको अब इसके फायदों के बारे में बताती हूँ। बादाम के तेल का इस्तेमाल आप अपने डार्क सर्कल को दूर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप रात में सोते नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं जिसके चलते आपकी आइज़ के नीचे काफ़ी काले घेरे हो जाते हैं, तो आप इसे रात में अच्छे से मसाज करके सो जाइएगा। विदिन 1 वीक आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। अगर आपके होंठ बहुत ज्यादा फट रहे हैं, ड्राई हो गए हैं या फिर हल्की सी ब्लैकनेस आपके होंठों पर आ गई है, तो आप 1 चम्मच बादाम का तेल लीजिए, उसमें थोड़ी सी दूध की मलाई मिला लीजिए और 1/2 चम्मच उसमें शहद मिला लीजिए और उसे रात को अच्छे से मसाज करके सो जाइएगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बादाम के तेल का इस्तेमाल आप अपने मेकअप को क्लीन करने के लिए भी एज अ क्लींजर यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको बादाम का तेल लेना है 1 चम्मच और उसके अंदर आपको कैस्टर ऑयल डालना है। आप मामा अर्थ की कंपनी का भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आपको बादाम का तेल लेना है और 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल लेना है। तो दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद फेस पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। जैसे आप मसाज करेंगे आपका जो जितना भी मेकअप है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, भले ही वो मेकअप क्यों वाटर प्रूफ क्यों ना हो, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और आप एक वाइप्स लेकर के उसे अच्छे से रिमूव कर पाएंगे। तो ये आपको एज अ क्लींजर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपकी स्किन काफी ड्राई हो गई है या बहुत ज्यादा रफनेस आपकी स्किन पर आ गई है तो बादाम का तेल स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले आप पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए, फेस को टॉवल से सुखा लीजिए, उसके बाद अपने हाथ में 3 से 4 ड्रॉप्स जो है बादाम तेल के लीजिए और उसे अपने फेस पर अच्छे से सारे में फिंगर की मदद से सारे में अच्छे से मसाज करके ओवरनाइट सो जाइए। सुबह पानी से फेस को धो लीजिए। ऐसा करने से आपको 1 हफ्ते के अंदर ही काफी अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। अगर आपके नेल्स बार बार जल्दी से टूट जाते हैं, आपको बढ़ाने का काफी शौक है, जैसे कि लड़कियों को बढ़ाने का काफी शौक होता है, लेकिन अगर आप नेल्स बढ़ा रहे हो वो बार बार टूट जाते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको बादाम के तेल की ड्रॉप्स लेनी है, आपको अपने नेल्स पे उसे रखना है और इस तरीके से दोनों हाथों से आपको रब करना है। 3 से 4 मिनट आप डेली करिए, दिन में 3-4 बार आप इसे करिए। 1 हफ्ते में आपके नेल्स में काफ़ी मजबूती आ जाएगी और आपके नेल्स टूटना बंद हो जाएंगे। नेल्स के साथ साथ कुछ लोगों को क्यूटिकल्स की भी प्रॉब्लम होती है। क्यूटिकल्स को आम भाषा में चट उपड़ना बोलते हैं। आपने देखा होगा कि नेल्स की जो ऊपरी लेयर होती है साइड की, वो निकलना शुरू हो जाती है और जब आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी पेनफुल रहती है। तो आप यहाँ पर भी बादाम का तेल लगाकर रात में सो सकते हैं और ये चट उपड़ना जिसे क्यूटिकल्स की प्रॉब्लम्स बोलते हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बादाम का तेल जो है अगर आपके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें भी रिलीफ दिलाने का काम करता है। अगर आपके कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिर दर्द से फट जाएगा, कभी कभी आपके सिर्फ आधे ही सिर में दर्द होता है, तो आप बादाम के तेल को लेकर के उससे अच्छे से मसाज कर सकते हैं बालों में। इससे 2 बेनिफिट होंगे, तो विटामिन ई, क्योंकि जो बादाम के तेल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है तो आपके बालों को विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, जिससे आपके बाल हेल्दी और सिल्की और बहुत शाइनी हो जाएंगे। तो पहला फायदा तो एक मसाज करने से ही होगा, दूसरा आपके जो सिर में दर्द है उसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ नज़र आएगा। और अगर आपको ये सर दर्द की प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे कंप्यूटर पे वर्क करना है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने की वजह से अगर आपको सिर में दर्द बना रहता है, तो आप बादाम के तेल का इस्तेमाल करते रहिए। ये जल्दी से जल्दी जो आपकी सिर दर्द की समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बादाम का तेल जो है आपके पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की बहुत पुरानी समस्या रहती है,
अगर आप इसे एक गिलास गरम दूध के साथ, एक चम्मच बादाम का तेल और एक गिलास गरम दूध अगर आप रात को सोने से पहले ले लेते हैं, तो ये आंतों में जितनी भी गंदगी जमा हो जाती है ये उसे बहुत अच्छे से साफ कर देता है और आपको जो कब्ज की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत टाइम से आप झेल रहे हैं, तो आप इसे डेली रात को एक गिलास दूध के साथ एक चम्मच बादाम का तेल लेना शुरू कर दीजिए, आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी। बादाम हो या बादाम का तेल, दोनों ही बहुत गुणकारी हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को बादाम खिलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उससे बच्चों की याददाश्त तेज होती है। तो इसी तरह अगर आप या तो बादाम ले लीजिए, बच्चों को बादाम दे दीजिए, या फिर आप बादाम का तेल भी दे सकते हैं। इससे भी याददाश्त को बढ़ाने में काफी मदद मिलती है और आपका दिमाग काफी तेज हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में हैंड्स पे, पेट पे, लेग्स पे कहीं पर भी स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि पेट के आसपास नीचे के हिस्से में काफी ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो ये स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है। आपको करना क्या है कि इस ऑयल को, बादाम के तेल को हल्का सा गुनगुना कर लेना है और आपको दोनों हाथों की मदद से अच्छे से उसकी 10 मिनट जहां पर भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वहां पर आपको 10 मिनट मसाज करनी है। उसके बाद आपको सो जाना है, इसे पूरी रात आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह आपको हल्के से गुनगुने पानी से नहा लेना है और अगर ऐसा आप एक महीने तक कंटिन्यू करते हैं डेली रात को, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी एड़ियां काफी फट रही हैं, तो आपको करना क्या है, ये एड़ियों के फटने में भी काफी हेल्पफुल रहता है। आपको करना क्या है कि एक चम्मच बादाम का तेल लेना है और उसमें आपको ऐड करनी है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। एक चम्मच वैसलीन पेट्रोलियम जेली और एक चम्मच बादाम का तेल, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे रात भर अपनी एड़ियों पर लगा करके रात को एक रात के लिए अच्छे से सॉक्स पहन के सो जाइए। सुबह आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और जिनकी भी एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हुई हैं, वो इस प्रोसीजर को एक वीक के लिए कंटिन्यू करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, ये थे बादाम के तेल के फायदे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर किसी वजह से पसंद ना आई हो तो प्लीज डिसलाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।